हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे निकोली निकोल लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम। ये एक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम है जो क्लासेस में कराई जाती है, बट इसका अच्छा सोर्स नहीं मिलता पढ़ने को, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम से। तो हम एक एग्जाम्पल्स केसेस में समझेंगे, अलग अलग केसेस में समझेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर विंडो है, ठीक है, और हमारे पास ये जो कॉर्नर पॉइंट्स कुछ 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 होंगे, ये हमें पता ही होता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हमारे पास एक्स मिनिमम वाई मिनिमम एंड एक्स मैक्स वाई मैक्स गिवन होता है, इन दोनों की हेल्प से, और रेक्टेंगुलर विंडो गिवन होती है, इन दोनों की हेल्प से मैं ये भी निकाल सकता हूँ, ये भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये क्या होएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो एक्स मिन कोमा वाई मैक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स मैक्स कोमा वाई मिन, ठीक है। तो हमारे पास एक लाइन जिसे कहाँ कहाँ पे हो सकती है, हमने बात करी थी पिछली बार भी, लाइन यहाँ पे हो सकती है, लाइन हमारे पास ऐसे हो सकती है, लाइन हमारे पास ऐसे हो सकती है, और लाइन हमारे पास ऐसे हो सकती है। ये केसेस कि दोनों इनसाइड, एक इनसाइड, दोनों आउटसाइड एंड दोनों आउटसाइड, लेकिन नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो हम इन केसेस को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप हमें परफॉर्म करना है निकोल निकोल में, हमें करना है फाइंड पॉइंट्स डेट आर आउटसाइड क्लिपिंग विंडो, आउटसाइड एंड इनसाइड क्लिपिंग विंडो, ठीक है। हमें पता चल, ये तो हम निकाल ही सकते हैं, कैसे, एक्स मैक्स और एक्स मिन, अगर कोई वैल्यू जो हमारे को पॉइंट है, मान लीजिए पी, आपको चेक करना है कि इनसाइड है कि नहीं है, अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों के बीच में लाया करता है तो मतलब वो यहाँ कहीं है, एंड उसका वाई कोऑर्डिनेट वाई मैक्स और वाई मिन के बीच में लाया करता है, तो इसका मतलब वो ऊपर नीचे से वो इसके बीच में है, ठीक है, यहाँ यहाँ पे कहीं है, और x का कंस्टेंट आ गया तो यहाँ पे कहीं है, तो कॉमन रीजन बचा ये, तो इसका मतलब वो अंदर ही है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम ये निकाल सकते हैं इनसाइड है या आउटसाइड है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं केस वन। केस वन क्या है कि हमारे पास पी वन इनसाइड है लेकिन पी टू हमारे पास इनसाइड नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे पास पॉइंट पी वन है अंदर, ठीक है, और ये पॉइंट पी टू है आउटसाइड, ठीक है, तो लाइन होगी ये। जब हमें ये दोनों पॉइंट पता है तो मैं एम भी निकाल सकता हूँ, एम मतलब स्लोप निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है, स्लोप आ गया। ये पॉइंट मेरे को पता है, ये सारे बाउंड्री पॉइंट्स भी मुझे पता है। आपको क्या करना है, एक कॉमन सा चीज है जो निकोली निकोल में हमेशा होता है, आप पॉइंट जो सिलेक्ट कर रहे हैं उससे आप बाउंड्री पॉइंट्स को कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे सभी को जितने भी हैं, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया अभी हम समझेंगे, एंड ये पॉइंट मुझे पता है, ये पता है, तो मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ। तो मान लीजिए इसका स्लोप एम वन, इसका स्लोप मान लेते हैं एम टू, इसका स्लोप मान लेते हैं एम थ्री, और इसका मान लेते हैं एम फोर, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जो एम की वैल्यू है ये नहीं तो इस रीजन में लाई कर सकती है, इन दोनों स्लोप्स के बीच में, नहीं तो इन दोनों के बीच में लाई कर सकती है, यहाँ कहीं, नहीं तो यहाँ कहीं, और नहीं तो यहाँ कहीं, इससे बाहर तो नहीं हो सकती। तो हम अलग अलग केसेस में डिवाइड कर सकते हैं कि एम फोन कौन सी रेंज में लाया कर रहा है। जैसे एम हमारे पास एक तो एम कहलाना है बिटवीन एम वन से एम टू, मतलब लाइन कहीं यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, एम लाइज बिटवीन एम टू से एम थ्री, मतलब यहाँ है, यहाँ, 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 यहाँ पे कहीं है। तीसरा एम फोर से एम थ्री, और चौथा क्या हो जाएगा, एम फोर से एम वन, एम फोर से एम वन मतलब इधर कहीं, ठीक है। तो हमने कैसे डिवाइड कर लिए, इसका फायदा क्या है डिवाइड करने का, वो भी हम देखेंगे। जैसे हमने अब डिवाइड किया तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैं मान लीजिए कि आपकी लाइन यहाँ पे, आपने पता लगा लिया कि एम वन और एम टू के बीच में है, ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइन है, तो एक पॉइंट तो आपको पता है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि दूसरा पॉइंट इसके अंदर है या इसके, मतलब मेरे को ये निकालना है कि ये मेरे पास लाइन है
ये कौन से बाउंड्री पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास लाइन थी, ठीक है, कोहेन सदरलैंड में हम क्या करते थे कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबसे इंटरसेक्शन निकालते थे, फिर चेक करते थे भाई कौन सा हम ले लेना है कौन सा हमें नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन इसमें फायदा क्या है, जैसे हमने इसमें डिवाइड कर दिया M1 M2 के बीच में, तो जो लाइन है सिर्फ इससे ही इंटरसेक्ट कर सकती है और किसी से कर नहीं सकती, तो इसके अंदर सिर्फ मैं लेफ्ट एज के साथ इंटरसेक्शन निकाल के देखूंगा, और जो मेरे पास वो पॉइंट आएगा मान लीजिए आई आएगा, वो आई हो जाएगा ये। अब इस लाइन को मैं रिजेक्ट कर दूंगा और इसको मैं ले लूंगा। ठीक है, तो हमने स्लोप्स के बीच में डाल दी लाइन, मतलब स्लोप्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया, इसका ये फायदा हो गया कि हमें बस एक एच का पता चल गया कि हमें किसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला केस था, ये तो कवर्ड हो गया, ये हमने अभी देखा। ऐसे जैसे अगर मैं M2 से M3 करता तो मेरे पास अगर कोई लाइन ऐसे होती तो सिर्फ मेरे पास बॉटम से इंटरसेक्ट हो सकता है, तो सिर्फ मैं बॉटम एज से हम इंटरसेक्शन देखते और किसी देखते ही नहीं, काम आसान हो गया। ठीक है, ठीक है जी। और हमने ये तो निकाल ही लिया था, हम कैसे चेक करें कि आउटसाइड है इनसाइड है, मान लीजिए दोनों इनसाइड है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो पहला तो ट्रिवियल केस है क्योंकि हमने जो कंडीशन निकाली थी इसकी हेल्प से हम निकाल ही सकते हैं कि पॉइंट दोनों आउटसाइड है कि इनसाइड है, दोनों इनसाइड है तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक, अब ये वाला केस हो गया, ये वाला हो गया, अब हम ये वाला केस देखते हैं। ठीक है, ये वाला केस भी इंटरेस्टिंग है, जैसे इस वीडियो में तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे कैसे होता है, दूसरे में हम इसका न्यूमेरिकल भी कर लेंगे अगर आपको नीड हुई तो। ठीक है, देखिए कि दूसरा केस मैं बनाता हूँ, कि मेरे पास फिर से क्लिपिंग विंडो है, मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ उनके। ठीक है, तो अब क्या है कि दोनों ही आउटसाइड हैं, ठीक है, दोनों ही आउटसाइड हैं, और जो आउटसाइड है वो इस तरह आउटसाइड है कि हमारे पास ये एज रीजन में है, मतलब मैं बताता हूँ आपको एज और कॉर्नर रीजन क्या होता है। ये एज रीजन होता है, ये कॉर्नर रीजन होता है, ये एज रीजन, ये कॉर्नर, ये एज रीजन, ये कॉर्नर रीजन, ये एज रीजन, ये कॉर्नर रीजन। ठीक है, तो आपके पास वन ऑफ द एंड पॉइंट्स लाइज इन द एज रीजन। ठीक है, तो आपके पास एक पॉइंट तो यहाँ पे होगा P1, दूसरा यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब इट डिपेंड्स, मतलब दूसरा कहीं भी हो सकता है, दूसरे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक की देख रहा हूँ कि मैं एक एज रीजन में होना चाहिए, दूसरा कहीं भी हो सकता है आउटसाइड, क्योंकि हम केस टू में क्या कर रहे हैं, बोथ P1 एंड P2 आउटसाइड एंड वन एंड पॉइंट इन एज रीजन। ठीक है, एज रीजन में, वो सॉरी एज रीजन में हमारे पास, एज रीजन मैंने आपको बताया ऐसे ये होते हैं, ये एज रीजन होते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट कहीं भी है, तो मान लेता हूं मैं यहां पे है, उसकी नीड नहीं है इतनी, हम देखेंगे क्यों नहीं है, मतलब एक पॉइंट से हो जाता हमारा, तो हम फिर से वही हम हर एक वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है भाई, ठीक है, फिर से हम स्लोप दे देंगे, इसका स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि मेरे को ये पॉइंट भी पता है, ये पॉइंट भी पता है, तो M1 हो गया इसका स्लोप, इसका M2 हो गया, इसका M3 हो गया, इसका M4 हो गया। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताइए, इसमें तो एक्सप्लिसिट था कि लेफ्ट से ही इंटरसेक्ट करेगा, मान लीजिए कि मेरे पास स्लोप है वो लाइन इधर नहीं है, इधर है मेरा P2 पॉइंट, कहीं इधर है तो यहाँ पे कहीं है, तो यहाँ पे तो ये इसको भी इंटरसेक्ट कर सकता है, इसको भी इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा पॉइंट है वो यहीं पे हो तो किसी को भी इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, तो मान ले अगर कि हमारे पास पॉइंट इसके कहीं अंदर है, अगर मैं मान लूं इसके कहीं अंदर है, तो वो वाला केस तो हम इसमें ले चुके हैं कि एक अंदर है एक बाहर है। ठीक है, तो इसका मतलब वो बाहर ही होगा, तो यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है। ठीक है, अगर यहां पे होएगा तो ज्वाइन करूंगा मैं, तो ये लेफ्ट एज को भी इंटरसेक्ट करेगा, ये टॉप एज को भी इंटरसेक्ट करेगा, तो लेफ्ट और टॉप दोनों को इंटरसेक्ट करेगा एक साथ। ठीक है, और अगर बस यहां पे कोई पॉइंट है तो यहां पे तो किसी को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर कोई लाइन मेरे पास केस टू में M1 और M2 के बीच में लाई कर रही है, तो मैं लेफ्ट और टॉप एज के साथ इंटरसेक्शन देखूंगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, मान लीजिए लाइन थी तो यही देखा आपने और ये देखा, इंटरसेक्शन देख लिया, अब यहां पे कहीं था तो यही लेंगे हम। ठीक है, एंड इसके बाद लेकिन अगर यहां पे होता तो मेरे को नहीं लेना था एक भी। ठीक है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्शन
पॉइंट्स हैं, वो हमारे पास वो लाइन के जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं, उनके बीच में लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लो अगर मेरे पास लाइन यहाँ दूसरा पॉइंट है और ये है, और इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं एक साथ निकालूंगा तो एक्सटेंडेड लाइन में यहाँ और यहाँ आएंगे, तो ये और ये इस लाइन के बीच में थोड़ी ना, ये लाइन है मान लीजिए, ठीक है आपकी, ये वाले पॉइंट्स ये इंटरसेक्ट तो करेंगे, देखो लाइन ऐसे जाएगी तो यहाँ पे आप इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स इस रेंज में तो लाई नहीं करते, तो इनको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो चेक इंटरसेक्शन पॉइंट्स लाइज बिटवीन P1 एंड P2। मान लीजिए L लाई कर रहा है, T लाई नहीं कर रहा रेंज में, तो L को ले लूंगा मैं, T को नहीं लूंगा, दोनों लाई कर रहे हैं तो दोनों को ले लूंगा, एक लाया कर रहा है तो एक को ही लूंगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर मेरे पास कहीं यहां पे पॉइंट होता, एम लाइज बिटवीन M2 से M3, तो M2 से M3 जब मेरे पास लाई करेगा तो यहां पे देखो यहां पे होएगा या यहां पे होएगा, वही वाली बात है, लेकिन यहां पे मैं किसी से चेक करूंगा, राइट और लेफ्ट और राइट से, तो यहां पे मैं लेफ्ट और राइट से चेक करूंगा। ठीक है, तो अगर इसके बीच में तो लेफ्ट और राइट में निकालूंगा, फिर से वही वाली बात, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने के बाद हम चेक करेंगे वो P1 P2 के लिए बीच में लाई करते नहीं करते, जो जो लाई करेगा उसे हम लेंगे, जो लाई नहीं करेगा उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे इस रीजन में, और अगर M1 और M4 के बीच में लाई कर रहा है इस रीजन में, तो उसे रिजेक्ट ही कर दो, उसे लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे, नेक्स्ट केस हमारे पास है कॉर्नर वाला। इसके अंदर हमें एक, ये तो जैसे हमने कवर कर लिया, एक और हमारे पास केस होना चाहिए, वो ये था कि मान लो कोई यहाँ पे लाई कर रहा है पॉइंट, ठीक है, कोई यहाँ पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो हम उसको कैसे डील करते हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो केस थर्ड, अगर कॉर्नर रीजन में मेरे पास एक पॉइंट है लाइन का, ठीक है, तो मान लीजिए पॉइंट यहां पे कॉर्नर रीजन पे, ठीक है, और हमारे पास क्या है कि ये लाइन यहां से जा रही है, ये लाइन हमारे पास एक एक इससे इंटरसेक्ट कर रही है, इससे इंटरसेक्ट कर रही है इधर से, और इधर से इंटरसेक्ट कर रही है इधर से, फिर से वही M1 M2 M3 M4, ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर इन दोनों के बीच में होगा तो हमारे पास टॉप एच को इंटरसेक्ट कर सकता है, वो राइट को हो सकता है, तो टॉप और राइट हम निकालेंगे इंटरसेक्शन, जैसे मान लो पॉइंट यहाँ है आपका, तो ये लाइन बनेगी ऐसे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को निकालेंगे, चेक करेंगे कि वो P1 और P2 के बीच में लाए करते हैं, हाँ भाई करते हैं, तो ले लेंगे। मान लो P2 पॉइंट यहाँ पे कहीं होता तो नहीं करते लाए, तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, अगर इस रीजन में लाया करता है तो कौन कौन सी एज है, एक तो टॉप है और ये हमारे बॉटम है, तो टॉप और बॉटम ये रीजन है, तो ये रीजन में क्या है, लेफ्ट और बॉटम, तो लेफ्ट और बॉटम, और इस पूरे रीजन में हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम ऐसी स्लोप्स के हिसाब से हम डिवाइड कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या 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 होगा हमारे पास। ठीक है, अब मान लीजिए, अब डिपेंड करता है ना कि आप अगर केस 1 लगाना चाहें, केस 2 लगाना चाहें, केस 3 लगाना चाहें, ऐसा भी हो सकता है। किसी एग्जाम्पल में देता हूँ जिसके अंदर दो केसेस लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट यहाँ गिवन है कॉर्नर रीजन में और एक अंदर गिवन है, ठीक है, तो आपने जो लाइन बनाई वो आपकी लाइन बनेगी ऐसे कुछ बनेगी, ठीक है, और आप मान ले अगर केस 1 लगाएं तो आप इसको अंदर मानेंगे दूसरे को बाहर मानेंगे, तो आप ऐसे से ऐसे से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मान लगाए आप केस 3 लगाएं कि कॉर्नर रीजन वाले लगाएं, तो आप फिर ऐसे ऐसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा केस लगाना चाहते हैं। मान ले आपने केस 3 लगाया तो ये कौन से रीजन में लाई कर रहा है, M2 से M3, तो कौन कौन सी एज को इंटरसेक्ट कर सकता है, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम, तो मैं टॉप के साथ भी निकालूंगा, बॉटम के साथ भी निकालूंगा, तो टॉप के साथ यहाँ आया और बॉटम के साथ कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा कि जो टॉप और बॉटम पॉइंट्स हैं वो P1 P2 के बीच में लाई करते हैं नहीं करते हैं? अब देखो टॉप तो लाई करता है, ये T है, ये तो लाई करता है इनके बीच में, तो इसको रख लूंगा, बॉटम नहीं करता, इसको छोड़ दूंगा, तो ऐसे मेरे को दोनों को निकालना है, फिर चेक करना है कौन सा लाई करता है कौन सा लाई नहीं करता है। ठीक है, लाई नहीं करता तो मैं छोड़ दूंगा। तो ये आपकी थी निकोली निकोल लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पसंद हो तो सब्सक्राइब भी, और अगर इसका न्यूमेरिकल करना है तो आप बता देना मेरे को, वो भी हम कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।